कोरिया जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में वर्तमान में बहुत धीमी गति से धान का उठाव किया जा रहा है, जिससे समिति प्रबंधकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि समिति प्रबंधकों के द्वारा उठाव हेतु आवेदन पत्र जिला के खाद्य अधिकारी, नोडल अधिकारी, विपणन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी को दिया जा चुका है, फिर भी उनके द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता के द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित रतनपुर की खरीदी प्रभारी से खास बातचीत करी गई, जिसमें खरीदी प्रभारी विजय कुमार साहू के द्वारा क्या कहा गया, आप भी देखें इस रिपोर्ट। सर आपका विजय कुमार साहू। ये कौन से धान उपार्जन केंद्र है? उपार्जन केंद्र रतनपुर, मैं यहाँ के खरीदी प्रभारी हूँ। अच्छा, और ये कितनी खरीदारी हो चुकी है अभी तक? अभी 16,665 क्विंटल 40-60 किलो खरीदी किया जा चुका है। अच्छा, जिसमें से 4,090 क्विंटल का हमने उठाव कराया है, बाकी अभी शेष 12,575 क्विंटल 60 किलो का धान शेष हमारे स्टेक में पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, अभी तक कोई उठाव का कोई प्रोसीजर नहीं बनाया जा रहा है, बहुत ही संकट का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। कितने किसान यहाँ पंजीकृत हैं? हमारे यहाँ पंजीकृत किसान 357 है। 357 तो ये धान उठाव नहीं होने के क्या कारण है? अधिकारियों से इसी बारे में वार्तालाप हुई क्या? हमने पूरा लेटरबाजी किया है, अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, बार बार फोन से संपर्क कर रहे हैं, हमने लेटर भी लिखा है। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है उठाव के संबंध में। खाद्य अधिकारी शुक्ला जी से बात हुई थी? बात नहीं हुआ है, उनको मैं लेटर लिख के दिया हूँ और विपणन में भी दिया हूँ। अच्छा अच्छा, बाकी हमारे विपणन संघ में सभी अधिकारियों से बात संपर्क में लगा हुआ हूँ। तो अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिले कि उठाव नहीं होने के कारण? जी जी, अभी कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बारिश होने से ऐसे में तो नुकसान हो सकती है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बारिश होने से। त्रिपाल पन्नी का व्यवस्था मेन अगर जमीन में रखे हुए हैं जी, और स्टेक नया नया खरीदी केंद्र होने के नाते कोई अभी स्टेक वगैरह बना नहीं है जी। तो इसी कंटीजेंसी स्टेक मिट्टी का बना के देने की व्यवस्था बना के कर रहे हैं, जिससे बारिश होने पर बहुत ही धान नुकसान होने का संभावना लग रहा है। जिला कलेक्टर महोदय को भी इसकी अवगत कराया गया कि नहीं? जी, कलेक्टर महोदय को अवगत फोन के माध्यम से नहीं हुआ है, लेकिन लेटर में हमने प्रतिलिपि करके कलेक्टर महोदय को भी एक जानकारी दी है। वैसे लगातार कोरिया जिले में सभी धान उपार्जन केंद्रों के उठाव जो है काफ़ी धीमी गति से हो रही है, ये लगातार सभी उपार्जन केंद्रों से यही शिकायतें मिल रही है। खबरों के माध्यम से प्रशासन को इसकी जगाने की कोशिश करते हैं।